तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में आई, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। रोहित शर्मा हो या विराट कोहली या फिर हो मोहम्मद शमी, कीवी खिलाड़ियों की टीम इंडिया के आगे एक ना चली। जी हाँ, टीम इंडिया अब फाइनल में आ चुकी है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया है, वो न्यूजीलैंड जिससे टीम इंडिया थोड़ा बहुत डर रही थी। हर किसी के मन में ये था कि कहीं टीम इंडिया हार तो नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया वाकई काबिले तारीफ है। टीम इंडिया के आगे कीवी टीम बोनी साबित हुई, और अब टीम इंडिया ने ही कई सारे रिकॉर्ड इस मैच को जीत कर बना दिए हैं, जो शायद अब वर्ल्ड कप में ना ही टूटे। दरअसल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया गया है। जी हाँ, दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 724 रन बनाए। भारत ने 398 रन बनाए थे तो न्यूजीलैंड ने 327 रन, यानी कि कुल 724 रन। वर्ल्ड कप में भारत की ये 10वीं लगातार जीत है और भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नाम 11 जीत का रिकॉर्ड है। अब टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, फाइनल में जीतते ही ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। रोहित ने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है, एक एडिशन में सबसे ज्यादा 28 छक्के लगाए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 26 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड कप करियर में 50 छक्के अब रोहित के पूरे हो चुके हैं, ये पहले बल्लेबाज बने हैं। विराट ने सेमीफाइनल में शतक लगाया और ये विराट का 50वां वनडे शतक था। सचिन तेंदुलकर स्टैंड में बैठे थे, सचिन तेंदुलकर इस मैच को देख रहे थे और अपने आइडल, अपने भगवान के सामने ही विराट कोहली रिकॉर्ड 50वां वनडे शतक लगाया। आज तक कोई भी बैटर वनडे क्रिकेट में ऐसा कमाल नहीं कर पाया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। 2023 में विराट ने 700 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन भारत के लिए कोहली ने ही बनाए हैं वर्ल्ड कप के, इससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम थे। एक एडिशन में कोहली का ये 8वां 50 प्लस स्कोर है। इसके अलावा अगर शमी की बात करें तो शमी ने 7 विकेट झटके और रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप नॉकआउट में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, इससे पहले कोई भी ऐसा गेंदबाज न 6-7 विकेट लिए हो। इससे पहले आशीष नेहरा ने 2003 में शानदार गेंदबाजी की थी। विश्व कप में शमी ने चौथी बार 5 विकेट लिए हैं। शमी ने सबसे तेज वर्ल्ड कप में 50 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स की झड़ी थी जो टीम इंडिया ने जीत के साथ लगाई। टीम इंडिया को कीवी टीम हरा नहीं पाई। एक वक्त पर लगा था कि कीवी टीम मैच में है, लेकिन शमी की तूफानी घातक गेंदबाजी ने ब्लैक कैप्स को पीछे छोड़ दिया। मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 397 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। रोहित 47, शुभमन गिल 80, विराट कोहली 117, श्रेयस अय्यर 105 और केएल राहुल ने 39 रन बनाए थे। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो कीवी टीम 327 रन ही बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर। डैरिल मिचेल ने 134 रन की शानदार पारी खेली, जबकि केन विलियमसन ने भी अच्छा साथ निभाया। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया अब फाइनल में है और हर भारतीय को उम्मीद है कि टीम इंडिया फाइनल मुकाबला जीत कर आईसीसी का खिताब जीते, वर्ल्ड चैंपियन बने। 2011 में आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था और अब 2023 की बारी आई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।